नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। देखिए यहाँ भीषण लड़ाई हो गया है, देख लीजिए इन बच्चों का। और ये बच्चे देखिए भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ये लोग दे रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने की बजाय ये लोग भीख मांगने के लिए भेजते हैं। सरकार इतनी सुविधा दे रही है, स्कूल में फ्री पढ़ाई है, खाना है, ड्रेस है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, फिर भी बच्चों को लोग भीख मांगने के लिए भेज रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये बच्चे कल के नागरिक हैं, उज्जवल भविष्य इनका भी बन सकता है अगर इनके घर के लोग, गार्जियन लोग इन पे ध्यान दे। तो देख सकते हैं किस तरह से बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं आप लोग इन लोगों का यही है, ये बच्चे कल के भविष्य हैं, उज्जवल भविष्य कहा जाए अगर इनका भी भविष्य उज्जवल हो सकता है अच्छी शिक्षा से। तो शिक्षा अगर है तो शिक्षा से तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो देख लीजिए फ्रेंड, ये बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता। मैं तो बच्चों को भीख नहीं देती हूँ, क्योंकि ये भिक्षावृत्ति को बढ़ावा है। तो इन लोगों को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत क्या करनी है, स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। बच्चों से बातें करने के बाद देखिए मैं किचन में आ गई और भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने मेथी पहले डाल दिया है तेल में, और उसके बाद फिर लहसुन मिर्ची तड़का देकर भिंडी उसमें डाल दिया। थोड़ा सा भिंडी लाल हो गया है तो मैं उसमें प्याज डाल दूँगी और हल्दी डाल दूँगी, फिर थोड़ा देर पका के बंद कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं कपड़ा भी धुल रही हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों प्याज डाल दी हूँ और हल्दी। इसके बाद थोड़ा पकाने के बाद से बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और ये है इवनिंग रूटीन, और मैं जा रही हूँ टहलने जिठानी देवरानी के साथ। तो इस समय साथ है इसलिए और भी टहलना हो जा रहा है, अकेले मैं नहीं जा पाती हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रो रहा था देवरानी का लड़का, तो मुझे ओवरवाइज करनी पड़ी। तो इधर आने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ठंडी ठंडी हवा, और देखिए खुला खुला बहुत ही अच्छा लगता है इधर आने में, देख सकते हैं आप लोग। फिलहाल दोस्तों हम आ गए हैं घर, और बहुत टाइम बाद हम लोग गए हैं। तो दो दिन हो गया जाते हुए, क्योंकि उधर ठंड था तो जा नहीं रहे थे, इधर जा रहे हैं टहलने, और लगभग रेगुलर जाएंगे। तो सुबह शाम टहलना चाहिए, सुबह को भी जाते हैं थोड़ा सा टहल के आ जाते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग स्कूल रहता है मेरे बेटे का, तो मैं उतना नहीं टाइम लगा पाती हूँ, मतलब थोड़ा टहलती हूँ। और इस समय 10:15 हो रहा है, तो मैं अभी आ गई हूँ घर और चल रही हूँ अब रोटी बनाऊँगी। सब्जी बन गया है, तो अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं, तो चल रही हूँ बनाने और गर्मा गर्म खाएँगे। अभी हम लोग घर पहुँच गए, और टहलने के बाद से थोड़ा सा थकान तो लगता ही है, बहुत काफ़ी दूर हम लोग निकल गए थे, और इस समय यज्ञ हो रहा था, चारों तरफ मतलब चहल पहल ही है, तो कोई डर नहीं रहता है। हम लोग जाते हैं टहलते हैं, फिर उसके बाद से आ जाते हैं टहल के, तो अच्छा लगता है, काफ़ी स्फूर्ति रहती है शरीर में। तो सबको टहलना चाहिए, क्योंकि टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है। सुबह की रूटीन है ये दोस्तों, वीडियो कई मतलब दिन का मैं डाली हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलता है तो मैं वीडियो नहीं डाल पाती। यहाँ देखिए इतने अच्छे अच्छे टमाटर के फल लगे हुए हैं, और देखिए कितना प्यारा है, बिना खाद पानी का है ये, एकदम किनारे नाली के पास था तो अपने आप ये लग गया है, और इतना स्वस्थ पौधा है, इसमें फल भी देखिए स्वस्थ ही है। तो स्वस्थ शरीर होगा तभी स्वस्थ मन होगा, और जिस प्रकार ये पौधा स्वस्थ है तो उसे फल भी सब्जियां भी अच्छी और स्वस्थ हैं। तो यहाँ देखिए नर्सरी पौधा है नेनुआ का, और इसको भी लगाया गया है, क्योंकि जगह नहीं है, मकान बन रहा है। और यहाँ देखिए पत्ता है, जो कि अरुई का पत्ता बोला जाता है, पत्थर भी बोला जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि कितना सारा बिना लगाए टमाटर हो गया है, और वो ऐसे ही बीज ना, सब्जी उब्जी का बीज रहता है तो गिर जाता है धुलते समय तभी। गांव के रहन सहन के अनुसार हमें घूंघट भी करना पड़ता है, पर्दा भी रखना पड़ता है, तो ये भी ज़रूरी है। और किचन में देखिए दोस्तों, मैं चने और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ रसेदार,
अगर इसमें आप दही डालना चाहें तो दही भी डाल सकती हैं और टमाटर डाल सकती हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड को टमाटर दही नहीं पसंद है तो मैंने उसमें नहीं डाला है। धनिया की पत्ती हो तो डाल दीजिए, मेरे पास इस समय धनिया की पत्ती नहीं है क्योंकि अभी मैंने मंगाई हूँ, सूख गया तो उसको फेंकना पड़ा। तो आपके पास टमाटर या दही जो भी है आप डाल सकती हैं। तो देखिए मेरा छोटा सा किचन है और इसी में मुझे एडजस्ट करके रहना पड़ता है। और यहाँ देखिए इस पर तेल जो छीटा जाता है, इसके लिए मैंने पॉलिथीन वहाँ से लगा के और टेप से टेप कर दिया है। तो अपना घर रहता है थोड़ा तो कुछ भी करो, डेकोरेट करो, अच्छा लगता है, लेकिन अब सोचिए दूसरे के घर में कोई क्या करेगा। तो अब मैं अपने तरीके से तो कर भी नहीं सकती हूँ। और इधर मेरे रूम का हालत देखिए, अभी ये सब मुझे करना है, प्रेस भी मैं नहीं कर पाई हूँ, आज करूँगी कल करूँगी, बस जब तक मैं मेरा सारा काम निपटाती हूँ तब तक लाइट चला जाता है, और लाइट जाने के बाद से कुछ भी नहीं मेरा हो पाता है काम। और शाम को आती है तो फिर वही शाम का रूटीन हो जाता है, रात होती है तो इंतज़ार करना पड़ता है हस्बैंड का, वो भी अभी कल रात को यानी कि 11:30-12 बजे के लगभग में वो आए। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ फिर मिलूँगी, नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।